Maud, and I welcome you all in this online learning platform TV School, and we are conducting second live doubt clearing session for the chapter 3. I think this is the chapter number 3. For chapter 3, matters and non-matters. Okay, this is the live for chapter 3, matters and non-matters, in which I will take your doubt regarding this chapter. Have you go through the chapter first? रजे चैप्टर्स के गो थ्रू हुए थे आप लोग? मेटल नॉन मेटल देखा आप लोगों ने क्या है कुछ? ओके ओके गुड रजे. वेयर इज शिवानी एंड पूजा? चरणप्रीत तो है. ठीक है रजे, तो मैं स्टार्ट करती हूँ फिर. ठीक है, अपने डाउट जो आप लोगों के थे पहले उनको क्लियर करते हैं. So, as you know, this is chapter matters and non-matters. Doubts, आप लोगों के आए थे इसमें, बहुत थोड़े से doubt आए हुए हैं, तो पहले उनको clear करते हैं, फिर आगे चलते हैं, ठीक है? पहले तो आपके लिए जो announcement है, आप लोगों का कल एक test conduct करने वाले हैं, ठीक है? 15 minute test होगा आप लोगों का online, जो MCQs होंगे chapter number 1 के, ठीक है? एक आपका test कल conduct करने वाले हैं. ऑनलाइन टेस्ट होगा 15 मिनट का, एमसीक्यूज होंगे एट 3 PM. टाइमिंग मैं आपको कंफर्म कर देती हूँ, मेरे हिसाब से 3 बजे है, ठीक है? तो एट 3 PM आप लोगों का जो टेस्ट होने वाला है, उसके 15 मिनट बाद ही आप लोगों का जो रिजल्ट भी आ जाएगा. तो आप लोगों ने चैप्टर 1 को प्रिपेयर करना है, ठीक है रजे? तो चरणप्रीत, आप अपने डाउट्स जो थे वो चैप्टर 1, रजे चैप्टर 1 जो आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर करा है ना, जो आप लोगों ने फर्स्ट करा था, हाँ, जिसके मैंने आपके डाउट ले चुकी हूँ, तो उसके ही आपका टेस्ट जो है कल होगा. मैं आपको टाइमिंग कंफर्म करके बताती हूँ, ठीक है? टाइमिंग कंफर्म कर देती हूँ. चैप्टर नंबर 1 जो 15 मिनट टेस्ट है, MCQs होंगे उसमें, और रिजल्ट भी आपको आफ्टर 15 मिनट जो है मिल जाने वाला है. ऑल राइट, ठीक है रजे? तो आई एम गेटिंग I got a question of oxidation and oxidizing and reducing agent. So we'll start with that, okay? One thing, Rajay, ये जो था basically this is from chapter 1, ठीक है? Why I am explaining it again? In this chapter also we are using oxidation and reduction reaction. That's why I am going to explain this. Otherwise जो एक chapter हो जाएगा, जिसके doubt ले लिए जाएंगे, वो दोबारा से repeat नहीं करे जाएंगे. ठीक है, एक चैप्टर के डाउट जो है, जैसे मेटल नॉन मेटल का आज ले रहे हैं, जितने भी डाउट हैं इस लाइव में कंप्लीट हो गए तो ठीक है, बाकी के मैं आपको ग्रुप में भी उसको सॉल्यूशन जो है सेंड कर दूंगी. बट उसके बाद आप लोगों को इस पे डाउट जो है दोबारा से नहीं लिए जाएंगे. तो मेक श्योर कि जब भी आप लोगों ने जिस भी चैप्टर के डाउट्स होते हैं, उनको आपने पहले एक बार इस चैप्टर से गो थ्रू हो और अपने डाउट मेरे को पहले बताएं, ठीक है? एज आई टोल्ड यू इन द ग्रुप की पहले मेरे को अपने जो डाउट्स हैं वो भेज दिया करो, ताकि हम अच्छे से उसको प्रिपेयर कर सके. अगर बहुत ज़्यादा बच्चे एक ही टॉपिक के ऊपर जो है कंफ्यूज हो रहे हैं या बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो उस टॉपिक को अच्छे से फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो मैं एक्सप्लेन करूँगी दोबारा से, रीज़न उसका ये है कि इसमें भी यूज़ हो रही है, दैट्स वाई आई एम एक्सप्लेनिंग इट अगेन. अदरवाइज नो टॉपिक विल बी रिपीटेड, अगर उसका पिछले चैप्टर का हम कभी रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है? ठीक है राजे, मेक श्योर कि आप लोगों ने ऑन टाइम और सेम चैप्टर से ही अपने डाउट रखने हैं. तो नेक्स्ट यहाँ पे देखो, व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन. तो एक बार तो हमने पहले भी एक्सप्लेन करी थी, आई एम एक्सप्लेनिंग इट अगेन. व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन इज बेसिकली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. आई एम राइट हियर. ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ, आपको फिर ना ज्यादा क्लियर होगा, यहाँ पे हम रिडक्शन, तो ऑक्सीडेशन है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. एम आई ऑडिबल और विजिबल टू ऑल ऑफ यू? एम आई ऑडिबल रजे? एम आई ऑडिबल और विजिबल टू ऑल ऑफ यू? ठीक है रजे, ओके. ये इन दिस क्वेश्चन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, व्हाट इज ऑक्सीडाइज, what is reduced and what is oxidizing agent and reducing agent या reductant,
ठीक है, तो हम देखने ये सारे टर्म्स जो है वो क्या एक्सप्लेन करिए, उनका मतलब क्या है, और ये इसको बहुत अच्छे से समझना है आप लोगों ने। तो ऑक्सीडेशन क्या है, या तो उसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, ऑल्सो यू कैन से देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यू कैन ऑल्सो से इट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑन द अदर साइड वॉट इज रिडक्शन, इसके एकदम से उल्ट। तो जैसे दोनों याद करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, कभी भी दोनों ना याद करना, एक याद करो उससे दूसरा लिखना, ताकि कंफ्यूजन आपको जो है एग्जाम में कम हो, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ ये तो नहीं आने वाला, इसके साथ बहुत सारी चीजें आप लोग लेके चलते हो, तो हो सकता है कई बार कंफ्यूजन हो जाए। तो अब जब ऐसा कुछ होता है तो हमेशा से अगर कोई डिफरेंस है या ऐसी कोई चीजें होती है तो एक लर्न करो, दूसरे को साथ के साथ लिख लिया करो। सो जैसे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है तो यहाँ पे क्या है, रिडक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है तो क्या करेंगे, रिडक्शन में क्या हो रहा है, दैट मीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एंड इन दिस साइड व्हाट इज रिडक्शन, इट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एम आई मेकिंग सेंस टू ऑल ऑफ यू? ओके, तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड व्हाट इज रिडक्शन, रिडक्शन इज ईदर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, सिर्फ सीधा के सीधा इसका उल्ट। ओके, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन दोनों की जो ये है डेफिनेशन। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है आप लोगों ने, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, लेट अस कंसीडर कॉपर ऑक्साइड, में सिंपल ले रही हूँ जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, ठीक है, सो दैट आप लोगों को इतने ज्यादा कंफ्यूजन ना रहे। अगर इसमें हाइड्रोजन डालते हैं, व्हाट वी विल गेट, कॉपर प्लस वाटर, दिस इज कॉपर ऑक्साइड, दिस इज कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कॉपर और ये क्या है वाटर, दिस इज द रिएक्शन, पहले भी कर चुके हैं। तो यहाँ पे रजे किस चीज की ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन इज व्हाट, इट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे दोनों में से किसके साथ ऑक्सीजन जो है एडिशन मतलब आके चिपक रही है, किसके साथ आ रही है, H2 के साथ आई है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे इस वाले का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ये वाली रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन। राजी दिख रहा है ना आप लोगों को, स्क्रीन इज स्टिल, मतलब आप लोगों को दिख नहीं रहा, अर्जुन रजे दिख रहा है आप लोगों को, वीडियो इज नॉट क्लियर, ओके रजे कृपाल चेक योर नेटवर्क, रजे देयर मे बी इशू, वहां पे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, अगर बाकियों को दिख रहा है तो दैट मीन हमारे साइड से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो ओके चरणप्रीत, क्वालिटी इज नॉट गुड, क्वालिटी ऑफ वीडियो रूपांश, हाउ इट इज पॉसिबल, मैं बोल्ड लिखूं, बड़ा लिखूं बोर्ड पे, मैं बड़ा लिखने की कोशिश करती हूँ रजे, राइटिंग नहीं क्लियर है, दिख रहा है बोर्ड पे क्या लिखा है, ओके आई एम कंटिन्यूइंग इट इफ इट इज क्लियर टू अदर्स। तो रजे यहाँ पे क्या है, जिसके साथ ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है वो रिएक्शन है, तो यहाँ पे रजे यहाँ पे क्या हो रहा है कि कार्बन कॉपर ऑक्साइड के साथ क्या है, यहाँ पे क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रही है कॉपर से, तो ये जो केस है वो क्या है, रिडक्शन का केस है, ठीक है, व्हाट इज हैपनिंग हियर, रिडक्शन इज हैपनिंग हियर। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों पता चल गया आप लोगों को क्या है, व्हाई इट इज नॉट क्लियर, चरणप्रीत रजे क्लियर है, अच्छा चलो ठीक है फिर, ओके तो रजे यहाँ पे क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है हाइड्रोजन के साथ, तो हम कहेंगे यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन चल रही है, और यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रही है, तो यहाँ पे बाय डेफिनेशन यहाँ पे क्या है, रिडक्शन हो रही है, ठीक है। तो नाउ द वन विच इज गेट ऑक्सीडाइज्ड, विच वन इज गेट ऑक्सीडाइज्ड, यहाँ पे जिसके साथ ऑक्सीजन अटैच हो रही है जाके, वो क्या है,
ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिसके साथ ऑक्सीजन अटैच हो रही है वो वाला क्या है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, हाइड्रोजन है ऑक्सीडाइज हो रहा है। और जिसके साथ ऑक्सीजन जो है जहां से निकल रही है वो वाली टर्म क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। वो वाली टर्म क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ रजे? क्लियर हो रहा है जो बोल रही हूँ? ओके ओके। तो अब यहां पे देखो, अगर आपने रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में देखना है, तो जो वाला ऑक्सीडाइज हो रहा है वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। जो रिड्यूस हो रहा है वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पे रिड्यूस कौन हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड। तो दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दिस इज व्हाट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस तरह से आप लोग इसको याद रख सकते हो, दिस इज अ सिंपल वे टू लर्न। ठीक है, सिंपलेस्ट तरीका यही है कि जो रिड्यूस हो रहा है वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और जो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, दिस टर्म इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, तो ये क्या है, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है। व्हाट इज दिस, दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट। एम आई क्लियर टू यू? आई एम एक्सप्लेनिंग इट अगेन। ओके, व्हाट इज ऑक्सीडेशन, जिसके साथ ऑक्सीजन जाके लग जाए, यहाँ पे क्या हो रही है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन इसके साथ लगी तो हम बोलेंगे यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, जहां से ऑक्सीजन रिमूव होगी, यानी कि कॉपर ऑक्साइड था, अब कॉपर रह गया, ऑक्सीजन खत्म हो गई यहाँ से, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। दूसरी चीज क्या बताई, कि जहां पे ऑक्सीजन लग रही है वो क्या है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, और जहां से रिमूव हो रही है वो क्या है, रिड्यूस हो रहा है। और जो रिड्यूस हो रहा है, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो है रिड्यूसिंग एजेंट। रजत, दिस इज बोथ इज हैपनिंग हियर। देखो, ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। दिस इज रिडॉक्स रिएक्शन, दिस इज रिडॉक्स रिएक्शन। दोनों की दोनों चीजें यहाँ पे हो रही है, दिस इज रिडॉक्स रिएक्शन। चरणप्रीत, इट इज क्लियर टू यू? एक और एग्जाम्पल लू मैं, एक और एग्जाम्पल लिखती हूँ। ये ऊपर का रब कर रही हूँ, पर आप लोगों ने ये नोट करके रखना है। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको अच्छे से रखो ध्यान में। तो मैं यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देती हूँ आपको, सी ऑन द बोर्ड। देखो, अब देखो रजी, यहाँ पे दिस इज लेड ऑक्साइड, दिस इज लेड ऑक्साइड, दिस इज कार्बन, दिस इज लेड ओनली, एंड दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनो मीन्स देर इज वन ऑक्सीजन एटम। ठीक है, मोनो मीन्स वन, तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड। सो दिस इज द रिएक्शन। नाउ सी, अब आप लोग मेरे को बताओ साथ में यहाँ पे लिख के, आपके हिसाब से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, आप भी अपने आंसर लिखो, फिर मैं एक्सप्लेन भी कर रही हूँ साथ साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है, कौन सी चीज जो है, कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है और कहाँ पे रिडक्शन हो रही है। यहाँ पे कार्बन अकेला था, यहाँ पे कार्बन के साथ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, तो दैट मीन हियर ऑक्सीडेशन इज अकरिंग। तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडेशन हो रही है। ओके, नाउ यहाँ पे क्या है, लेड ऑक्साइड है, लेड के साथ ऑक्सीजन है, पर आगे जाके वहां पे रिमूव हो रही है। तो फ्रॉम दिस टू दिस, लेड ऑक्साइड टू लेड, व्हाट इज हैपनिंग हियर, रिडक्शन इज हैपनिंग हियर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जहां पे हुई है वो क्या है, रिडक्शन। और यहाँ पे क्या है, कार्बन क्या है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन कर रहा है। तो आप बताओ कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन सा रिड्यूस हुआ है। तो हम बोलेंगे कि ये वाला जो है, ये वाला क्या है, ये रिड्यूस हो रहा है। ठीक है,
ठीक है, दिस टर्म इज गेटिंग रिड्यूस्ड एंड दिस टर्म इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। इसके साथ ऑक्सीजन जा रही है ना, तो ये वाला क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया, यानी कि कार्बन इसके साथ ऑक्सीजन जाके अटैच हुआ, तो दिस इज ऑक्सीडाइज्ड एंड दिस इज रिड्यूस्ड। नाउ व्हिच इज गेटिंग रिड्यूस्ड, दिस वन, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है उसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, उसको क्या बोल रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। आई होप नाउ दिस इज क्लियर टू यू। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए लेड नियर, जो लेड नहीं, लेड ऑक्साइड है यहाँ पे, रिड्यूसिंग नो रिडक्शन, ओके ओके ठीक है रजत, रिड्यूसिंग एजेंट, यस यू आर राइट चरणप्रीत इज राइट, कार्बन जो है रिड्यूसिंग एजेंट है, और कार्बन बहुत सारी चीज़ों में रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज करते हो। इन इन दिस चैप्टर व्हेन यू आर डूइंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर्स, तो वहाँ पे क्या होगा, आप लोगों को एक जो देखने मिलेगा कि कार्बन जो है बहुत सारे ऑक्साइड जो है उसके साथ जाके अटैच होते हैं, तो कार्बन क्या है, रिड्यूस करने के काम आता है। एक और चीज़ यहाँ पे सीख सकते हो कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, वो हेल्प कर रहे हैं दूसरे स्पीशीज को कि वो क्या करे, जो अपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो दूसरों को क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है कि वो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं और खुद क्या हो रहे हैं, रिड्यूस, यानी कि ये हेल्प करेगा, हेल्प कैसे करे, इसने इसको अपना ऑक्सीजन दिया तभी ये रिड्यूस हुआ ना, तो ये खुद रिड्यूस हो रहा है और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है। एजेंट का काम क्या होता है, हेल्प करना, ठीक है, दूसरे के लिए रास्ता आसान बना देना, है ना। हम ट्रैवलिंग एजेंट से जाते हैं, जब ट्रैवलिंग करनी होती है, कहीं नई जगह पे जाते हैं, तो देखते हैं कि वो कैसे हेल्प करते हैं, तो ट्रैवलिंग एजेंट जैसे होते हैं या कोई भी एजेंट होते हैं, जैसे कि आपको कई बार घर लेना होता है तो एजेंट के थ्रू लेते हैं, कोई काम करने होते हैं तो एजेंट्स आर देयर इन एवरी फील्ड, तो यहाँ पे भी क्या है, एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, यानी कि ये इसको हेल्प कर रहा है दूसरे स्पीशीज को कि ये ऑक्सीडाइज हो जाए और ये खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। इसको इस तरह से भी सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हो। चरणप्रीत नाउ इट इज क्लियर टू यू, ऑल राइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट पे जा रही हूँ। क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था कि मेटल नॉन मेटल आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं, मेटल और नॉन मेटल आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं, तो रजिन मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन देखते हैं। आपको पता है मेटल्स कौन कौन से होते हैं, नॉन मेटल्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक सिंपल सी एग्जांपल ही लेके चलूंगी, सबसे सिंपल वाली सोडियम एंड क्लोरीन, ठीक है, तो आपको पता है सोडियम प्लस क्लोरीन जो है वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, ये हम देखेंगे। सोडियम क्या है, यहाँ पे मेटल है, और नॉन मेटल कौन सी है, क्लोरीन। आप लोगों को इन द आफ्टर दिस मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी ट्रिक बताने वाली हूँ, जिसमें इस एक्टिविटी सीरीज कैसे लर्न कर सकते हो विद इन 2 मिनट्स, वो हम देखेंगे, ठीक है, तो कैसे लर्न करनी है वो मैं आपको बताऊंगी इसके बाद। तो मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं, तो रजे इसके लिए आपको इसका स्ट्रक्चर पता होना जरूरी है, ठीक है, तो स्ट्रक्चर कैसे देखते हैं, सी कोई भी एटम होता है किस तरह से होता है, दिस इज द न्यूक्लियस, ठीक है, इस तरह से एटम का स्ट्रक्चर होता है, फाइन, तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं के, इसका नाम होता है एल और इसका नाम होता है एम, ठीक है, तो याद कैसे करोगे, ये ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल के नाम है, यानी कि जैसे आप लोग ये जो हम वैसे तो सारा कुछ आप लोगों को शायद 9th स्टैंडर्ड में भी पता होगा, तो यहाँ पे याद ऐसे किसको रखना है, जो के है वो क्या है, एक स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर कितना है, इसका रोल नंबर 1 है, ठीक है, तो एल क्या है, दूसरा स्टूडेंट है, इसका रोल नंबर है 2, एम क्या है, तीसरा स्टूडेंट है, इसका रोल नंबर है 3, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं कैसे पता चलता है, 2n² ये पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे पता चलते हैं, 2n², तो अगर मेरे को पता करना हो कि के में कितने सारे इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन जो है अपने अंदर ले सकता है या इसमें घूम सकते हैं, तो मैं क्या करूँगी, एन की जगह पे 1 पुट कर देती हूँ, एन इज 1 फॉर के, तो यहाँ पे 1 पुट करा एंड
I'll get 2. Similar way से 4, this is 4k, this is L के लिए क्या होगा? And what about M के लिए क्या होगा? 18. ठीक है? तो that means first shell में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, second shell में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और M में कितने आ सकते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. इतना क्लियर हुआ? ठीक है? तो आपको पता है सोडियम क्या है, कितने नंबर पे है? इट इज ऑन 11 नंबर. सोडियम इज ऑन 11 नंबर. ठीक है? तो मैं अगर इसका स्ट्रक्चर सोडियम का बनाना चाहूंगी, कैसे बनाऊंगी? ये न्यूक्लियस है, पहले में कितने आ सकते थे? 2. तो 2 डाल दिए. ठीक है? अगले में कितने आ सकते हैं? 8. तो अगले में 8 डाल देते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. ऑलराइट, यहाँ पे 8 आ गया. नेक्स्ट क्या है? 2 इसमें आए, 8 इसमें आए, 2 and 8 प्लस करके 10 हुआ. हमें कितने चाहिए? 11. तो दैट मीन उसके एक ऑर्बिट में एक्स्ट्रा भी बचेगा. ठीक है? तो इसके ऑर्बिट में एक एक्स्ट्रा बचेगा. और ये जो है नेचर होता है किसी भी एटम का, कि जब भी उसकी जो ऑक्टेंट है पूरा हो जाता है, उसके एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वो क्या करता है? डोनेट कर सकता है, या फिर अगर एक आधा उसका बचता हो, यानी कि मान लो इस क्लोरीन का केस देखते हैं. क्लोरीन में क्या है? पहले क्लोरीन का केस देखते हैं तो आपको ज्यादा समझ आएगा. क्लोरीन कितने नंबर पे होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. क्लोरीन इज ऑन नंबर 17. ठीक है? तो यहाँ पे कितने आए? 6, 7. तो रजे, इसके जो आउटर में है 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके जो आउटर में है 1 इलेक्ट्रॉन है. तो यहाँ पे हर एक एटम का एक जो होता है फंडा होता है क्या, उसने अपने ऑक्टेंट में 8 इलेक्ट्रॉन रखने होते हैं. उसने ऑक्टेंट होता है मतलब कि 8 इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिट में होने चाहिए. तो यहाँ पे उसका अगर एक एक्स्ट्रा आ रहा है तो ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, जिसको हम ऐसे लिखते हैं. ठीक है? जिसको हम इस तरह से लिखते हैं. और ये क्या करता है, इसके पास 7 है तो 8 बनाने के लिए सिर्फ इसको एक ही तो चाहिए. तो ये क्या करता है, एक अपना ले लेता है. जो ले रहा है उसको नेगेटिव से शो करेंगे, जो दे रहा है उसको पॉजिटिव से. ठीक है? मोर ओवर एक दे रहा है तो यहाँ पे 1 लगाने की जरूरत नहीं होती, आप लोगों ने सिर्फ प्लस ही लिख देना है. प्लस इज सफिशियंट, प्लस का मतलब एक ही है. तो यहाँ पे भी इसको एक ही चाहिए तो मेरे को एक लिखने की जरूरत नहीं है, इसके आगे ऐसे एक लिखने की जरूरत नहीं है. इट इज अंडरस्टूड कि उसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए. ठीक है? तो इनके स्ट्रक्चर को देख के आप समझ सकते हो कि जो सोडियम है अगर वो अपना एक दे देता है तो उसका 8 पूरे हो जाते हैं. ठीक है? तो या दैट मीन ये स्टेबल हो जाता है. सिमिलर वे से अगर क्लोरीन को 1 मिल जाए उसके भी 8 पूरे हो जाएंगे. अगर उसके 8 पूरे हो गए तो वो भी स्टेबल हो जाएगा. तो यहाँ पे इन दिस क्या हो रहा है, मेटल और नॉन मेटल में कैसे इसको डिफाइन करेंगे? मैं इसको रब कर रही हूँ, इसमें कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है जो बोला अभी? चरणप्रीत, कृपाल, अर्जुन, रजे, बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है जो बोल रही हूँ? रूपांश, चलो. तो यहाँ पे अब हम इस क्या करेंगे, इसके जो आउटर इलेक्ट्रॉन है उसको कैसे लिख सकते हैं? मैं इसको रब कर रही हूँ, ये जस्ट समझाने के लिए था. अदरवाइज अगर रिएक्शन आती है तो आपने सिंपल रिएक्शन ही लिखनी है. तो सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो मैं इसको एक डॉट के साथ रिप्रेजेंट करूंगी. प्लस क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर में. रजे, जो इनर वाले होते हैं आप बोलोगे मैम इलेक्ट्रॉन तो 11 है, उसके पास भी 17 है. राइट, उसके पास 11 है, उसके पास 17 है. पर जब ऑक्टेंट पूरा हो जाता है वो वाला पार्टिसिपेट नहीं करता. यानी कि अब देखो, जिस बंदे ने सारा कुछ अटेन कर लिया अपनी लाइफ में, उसने क्यों काम करना है? ठीक है ना? तो जो बंदों को होता है कि और चाहिए स्टेबिलिटी अटेन करनी होती है, वही लोग काम करते हैं ना. तो यहाँ पे इनका पूरा है, जितनी जगह है उतनी इनके पास चीज़ें हैं, तो ये स्टेबल है. ठीक है? इन्होंने अपनी रिएक्शन नहीं देनी. ये इनको बोलते हैं इनर्ट इलेक्ट्रॉन. इनर्ट मतलब इनको पार्टिसिपेट ही नहीं करना. ठीक है? जैसे कुछ बच्चे लाइव में नहीं आते हैं, है ना, वो पार्टिसिपेट ही नहीं करते. सिमिलर वे से ये इनर्ट वाले, इन्होंने कुछ पार्टिसिपेशन नहीं करनी, पार्टिसिपेशन आउटर की होगी. तो यहाँ पे आउटर में एक है तो मैंने इसको डॉट से रिप्रेजेंट करा. इसके आउटर में 7 इलेक्ट्रॉन है तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ? बाय क्रॉस और एनी अदर साइन यू वॉन्ट टू टेक ले लो. ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. ठीक?
तो ये वाला जब रिएक्शन बनेगी, इसके बाद जब बनेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे सोडियम क्लोरीन के साथ जब लग जाएगा ये इलेक्ट्रॉन एक, इसके पास आ जाएगा तो सोडियम क्लोरीन क्रॉस 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 क्रॉस, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो ये वाला क्या है प्रोडक्ट आपके पास निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो किस तरह से रिएक्शन कर रही है मेटल और नॉन मेटल आपस में, अपने इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर करके इस तरह की जो एक्टिविटी है, जो रिएक्शन है हमें दे रहे हैं। ठीक है रजे, क्लियर हुआ क्या बताया आप लोगों ने? बोर्ड इज नॉट विजिबल, आई डोंट नो व्हाई, जो लिखा आपको कुछ नहीं दिख रहा, आई विल राइट इट अगेन। अर्जुन रजे, इलेक्ट्रॉन जो क्लोरीन के होते हैं दैट इज 17। ठीक है, तो दो अंदर आए, फिर आठ आए, उसके बाद सात आते हैं बाहर। ठीक है, तो सात नहीं, हमें आठ चाहिए होते हैं किसी भी एटम को स्टेबल करने के लिए, तो वो स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से ले लेगा। ठीक है, एक यहाँ पे देखो, इसके आउटर में वन है, क्लोरीन के पास सात है, सात क्रॉस लगाऊंगी, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, जब इसका प्रोडक्ट बन जाएगा सोडियम एंड क्लोरीन, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 इसके थे, एक जो है सोडियम का दिया जो हम डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस विल बी द रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। रजे क्लियर हुआ? चरणप्रीत अभी भी कोई डाउट है? लुक रजे, ओके ओके ठीक है, आपको आप बोल रहे हो कि इसमें 18 आने चाहिए थे, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग चरणप्रीत, आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट। ओके रजे, मैंने आपको बताया है कि एटम का ये तो एक सिंपल स्ट्रक्चर है, इस तरीके से सिर्फ आपको समझाने के लिए। ठीक है, दिस इज द वे यू कैन अंडरस्टैंड, पर जब आप अगली क्लास में जाते हो तो यू विल फाइंड कि ये वाले जो स्ट्रक्चर है इस तरह से नहीं, हम इलेक्ट्रॉन को ना ऐसे इस तरह से ऑर्बिटल बनाते हैं, 1s का 2s का 2p का, इस तरह से ऑर्बिटल बना के उनको फिल करा जाता है। ठीक है, जब उनको फिल करते हैं तो हमारे पास जैसे s होते हैं उनमें दो दो चाहिए होते हैं, p वाले होते हैं तो उनमें क्या है हमें 6 पूरे करने होते हैं, आगे d वाला होता है उसमें हमें क्या करने होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने होते हैं। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट जब आप आगे समझ लोगे ना तो आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो दिस इज द वे आप ऐसे जो है एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का होगा, मे बी दिस विल कम इन कार्बन चैप्टर और इन द पीरियोडिक टेबल, अगर आपके पास होगा पीरियोडिक वाला चैप्टर तो उसमें होगा, तो वहां पे आप करोगे कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे रहती है। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझोगे ना देन यू विल अंडरस्टैंड इट इन बेटर वे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना याद रखो कि जो भी एटम है उसके ऑक्टेंट पूरा होना चाहिए, ऑक्टेंट का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन। ओके, दैट मीन यू नो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रजे, फिर तो आपको क्लियर होना चाहिए अर्जुन, इफ यू नो व्हाट इज 1s2 2p2 ये सारी चीजें आप लोगों को पता है तो आप लोगों को फिर तो क्लियर होना चाहिए। आई विल मेक फॉर यू, वेट अ मिनट, और किसी बच्चे का डाउट था मेरे को, वो डाउट बताओ यहाँ पे क्या डाउट था आप लोगों का। रजे टाइम कम है हमारे पास, चरणप्रीत अगर कोई डिफिकल्टी है रजे मैं आपको फिर ग्रुप में बताऊंगी ये वाला। ठीक है, मेरे को मैसेज डाल देना क्या कंफ्यूजन है। मैं यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी सीरीज का बताना था, वन ऑफ द स्टूडेंट आस्क अबाउट द आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों रहता है। वन ऑफ द स्टूडेंट आस्क कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों रहता है। तो मेल्टिंग पॉइंट वो होता है जहाँ पे कोई भी मटेरियल जो है मेल्ट करना स्टार्ट करे। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर जहाँ पे जाके कोई भी कंपाउंड मेल्ट करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों रहता है, क्योंकि जैसे सोडियम है या क्लोरीन, दिस इज आयनिक कंपाउंड, तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो होता है एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। अगर वो अट्रैक्ट करता है तो यहाँ पे बोलते हैं इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। रजे इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे, अगर पॉजिटिव है और पॉजिटिव है
तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, दूर दूर जाएगा। अगर नेगेटिव नेगेटिव है तो भी रिपेल करता है, बट अगर पॉजिटिव और नेगेटिव है तो यहाँ पे अट्रैक्शन होगी, यानी कि एक दूसरे को पास लेके आएंगे। अगर वो पास होंगे, ओके रजे चरण प्रीति, फिट इज क्लियर, दैट इज गुड। अगर कोई इश्यू है तो मेरे को ग्रुप में मैसेज डालना, ठीक है, मैं आपको क्लियर कर दूंगी। ये वाला समझो रजे, क्वेश्चन था कि आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों रहता है। हमने बोलना है कि वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो कि बहुत स्ट्रांग फोर्स है, जो क्या कर रहा है, इन दोनों को एक साथ इतनी लेके आता है। और किसी भी मॉलिक्यूल में सिर्फ एक तो आयन नहीं होता, सोडियम और क्लोरीन तो नहीं है, तो कोई भी, जैसे कोई भी होता है, एक सब्सटेंस लेते हो तो देर आर नंबर ऑफ आयन्स, ठीक है, कितने सारे आयन्स होंगे सोडियम के, क्लोरीन के, ठीक है, तो वो सारे आपस में जुड़े होंगे। अब उनको ब्रेक करना है, उनको फोर्स ब्रेक करने के लिए जो फोर्स चाहिए वो उनके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो वो ज्यादा कैसे होगा, यानी कि इसको ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि इनका जो बॉन्ड है वो क्या है, ब्रेक कर जाए, ठीक है। तो दैट मीन अगर ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं तो दैट मीन मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उनका क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। रीजन यही है कि उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में आपस में क्या है, उनकी अच्छी बॉन्डिंग है, यानी कि उनके अंदर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, इतनी अट्रैक्शन है कि वो एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाह रहे। तो छोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनके अंदर इनको ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, यानी कि हमें फूड डलवाने का काम करना है यहाँ पे, ठीक है। तो फूड डलवाने के लिए ज्यादा टेम्परेचर दो, ज्यादा टेम्परेचर दिया तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, हाई चला गया उन दोनों का, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया, कोई क्यूरी और डाउट है तो बताओ जल्दी से, नहीं तो मेरे को आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज और सिखानी है, इसमें याद ही करवानी है, मतलब कि सिखानी नहीं है, मैं याद करवा के जाऊंगी आज। तो हम देखेंगे यहाँ पे एक्टिविटी सीरीज ऑफ मैटर, ठीक है राजी। यहाँ पे एजी के बाद एयू लिखा हुआ है राजी, ये रिएक्टिविटी एक्टिविटी सीरीज बोल रहे हो और रिएक्टिविटी सीरीज, ओके हेलो, ठीक है आप ठीक है, एक्टिविटी ही देख रहे हैं, रिएक्टिविटी सीरीज देख लो। तो यहाँ पे रजे इसको याद करने का एक तरीका बताने वाली हूँ, किस तरह से आपने इस सारे कंपोनेंट को याद रखना है। पहले तो ये है क्या, तो ये है रिएक्टिविटी सीरीज, या मतलब कि किस तरह से, कोई भी आपको पता है कितने सारे मेटल्स हैं यहाँ पे, देर आर नंबर ऑफ मेटल्स। कुछ मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ बड़ी जल्दी रिएक्ट करते हैं, जैसे कि सोडियम है, पोटाशियम है, ठीक है, और कुछ होते हैं जो बहुत ही स्लो रिएक्ट करते हैं, ये सारा आप लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़ा होगा। उसके बाद कुछ कंपाउंड्स आते हैं जो कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्शन देते हैं, कुछ होते हैं कि जैसे कि मैग्नीशियम है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं देगा, हॉट वाटर के साथ रिएक्शन देता है, ठीक है। फिर उसके बाद एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक आता है, वो ना तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन दे रहा है ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्शन दे रहा है, वो किसके साथ रिएक्शन देगा, स्टीम के साथ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यानी कि है तो सारी मेटल रिएक्शन तो सारी दे रही है, पर कौन सी ज्यादा रिएक्टिव है, यानी कि किसको हमने ज्यादा केयरफुली यूज करना है, या किसकी रिएक्शन बहुत ही फास्ट होती है और किसकी रिएक्शन जो है स्लो होती है, उसके बेस पे हमने एक सीरीज बनाई है, ठीक है। इस सीरीज को याद कैसे करना है, तो यहाँ पे आप ऐसे याद करोगे, करीना ने कार मांगी, ऑल्टो जिन फरारी, परवीन भाभी है क्यों हो गई एंग्री आंटी। सो दिस इज द लाइन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ताकि इस लाइन से आप क्या करोगे, इसको बहुत इजीली आप याद कर पाओगे, ठीक है। करीना, नोट डाउन कर सकते हो तो करो साथ में, करीना ने कार मांगी, ऑल्टो आपको पता है गाड़ी का ब्रांड है, ऑल्टो जिन भी गाड़ी का जो एक ब्रांड है, फरारी तो आप लोगों को पता ही होगा, ऑल्टो जिन फरारी। यहाँ पे परवीन भाभी है क्यों हो गई, क्यों को अब मैं ऐसे लिख रही हूँ, बट ब्रैकेट में इसको ऐसे लिख दो सी के साथ, क्यों हो गई एंग्री
आंटी, ठीक है। तो इस वाली लाइन को आप लोगों ने याद रखना है, करीना ने कार मांगी ऑल्टो जिन फरारी, परवीन भाभी है क्यों हो गई एंग्री आंटी। तो यहाँ पे देखो व्हाट इज के हियर, के इज पोटेशियम, व्हाट इज के हियर, के इज पोटेशियम, यानी कि पोटेशियम एक ऐसी है जो क्या है सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद क्या है सोडियम, दूसरे नंबर पे क्या है सोडियम। तो चाहे वो पोटेशियम हो चाहे वो सोडियम हो, दोनों को हम खुले में नहीं रख सकते, ठीक है। ये दोनों ही एयर के साथ इतनी रिएक्शन देती है या पानी में भी, तो क्या करते हैं कई बार हाइड्रोजन जो निकलती है उसके साथ इतनी एनर्जी निकलती है कि वो फायर को जो है कैच कर सकती है, यानी कि आग लग सकती है इससे। तो ये वाले दोनों बहुत ही रिएक्टिव है, तो ये सबसे ऊपर आएंगे। याद करने का ये तरीका है इसको, ठीक है। एंड इसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके बेस पे ना आप लोगों ने एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर जो है नेक्स्ट, हाँ इसमें इसके लास्ट में दिया होगा एक टॉपिक है एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर, उसको समझने के लिए आपको ये इसकी जो रिएक्टिविटी है ये सारी पता होनी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले पोटाशियम है रिएक्टिव, फिर उसके बाद सोडियम है, देन क्रोमियम है, उसके बाद मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, ये है आयरन, सॉरी Fe, आयरन, फिर लेड है, फिर H, सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन है ना जिंक, इसका भी इसको मैंने ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब अभी बताती हूँ आपको। उसके बाद कॉपर है यहाँ पे, और वेट अ मिनट रजे, यहाँ पे कैल्शियम है, कैल्शियम है यहाँ पे Ca, नॉट क्रोमियम, इट इज कैल्शियम। यहाँ पे कॉपर है, Hg इज मर्करी, दिस इज मर्करी, इफ यू डोंट नो मैं लिख रही हूँ साथ में, दिस इज मर्करी, दिस इज सिल्वर, Ag इज सिल्वर, और Au क्या है गोल्ड है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी ध्यान में रखनी है कि पहला वर्ड जो होता है कैपिटल और सेकेंड वर्ड हमेशा क्या है स्मॉल लेटर में लिखना होता है। जब भी आप कोई भी एलिमेंट का, कितना भी पीरियोडिक टेबल में कोई भी एलिमेंट उठाओ, उसका नाम जो है सिंबल से रिप्रेजेंट करते हो ना, तो पहला वर्ड जो है वो आप कैपिटल में लिखते हो, सेकेंड जो है स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। तो यहाँ पे स्मॉल ए लिखा ना मैंने, इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। आपने सोडियम को ऐसे नहीं लिख के आना, इट विल बी रॉन्ग, सारे के सारे नंबर कट जाएंगे। इधर यू डू द रिएक्शन इन अ करेक्ट वे, तब भी आपको कोई मार्क्स नहीं मिलने वाला, क्योंकि सोडियम का सिंबल ये नहीं है, ये है, ठीक है। रजे दिख रही है ना से आपको, पी एल रजे, चरणप्रीत पी एल है, उसको हमने यहाँ पे कंसीडर नहीं करा, बहुत कम लिए हैं। ये लेड का सिंबल है रजे, Pb इज फॉर लेड। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि मैम हाइड्रोजन जो है इट इज अ नॉन मेटल, अगर आपको पता होगा हाइड्रोजन मैंने ऐसे डाली है इसमें, तो ये क्या है आपकी सीरीज में भी बुक में भी देखना इस तरह से है, ये एक नॉन मेटल है। तो अब आप बोलोगे मैम आप बता तो मेटल की रिएक्टिविटी रहे थे, बीच में आपने हाइड्रोजन क्यों डाल दिया। दिस क्वेश्चन कैन अराइज इन योर माइंड, ये पॉपअप हो सकता है कि इसको कैसे लिखा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो क्या कर रहा है, इसकी रिलेटिव रिएक्टिविटी बताने के लिए यूज होता है। तो हाइड्रोजन क्या है, रिलेटिव रिएक्टिविटी बताने के लिए यूज हो रहा है। वो और क्या करते हैं, जितने भी एलिमेंट हाइड्रोजन के ऊपर हैं, जितने भी एलिमेंट हाइड्रोजन के ऊपर हैं, वो क्या करते हैं हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं इन द एसिड। हाइड्रोजन के एटम को रिप्लेस कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे ज्यादा रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब क्या है कि जो भी एटम जो है जो ऊपर है वो ज्यादा रिएक्टिव है। एक आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करी थी जैसे हाँ आयरन के साथ करी थी, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट जो आपको क्या दे रहा था, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, एक ये रिएक्शन करी थी आप लोगों ने। अब आप देख इसको आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला था कि आयरन ने डिस्प्लेस करा कॉपर को और उसकी जगह लग गया, क्यों लग गया, व्हाट इज द रीजन। ये देखो अब जो आयरन है वो क्या है कॉपर से ऊपर प्रेजेंट है, ऊपर प्रेजेंट है मतलब व्हाट, मतलब इट इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। इफ इट इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इफ इट इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो दैट मीन इट कैन डिस्प्लेस कॉपर। तो कॉपर को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है, उसकी जगह आप जाके लग सकता है, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज इन नंबर ऑफ वेज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू।
तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये। रजत समझ आया क्या कराया गया है आपको अभी? ये सीरीज याद हुई आप लोगों को? शुड आई एक्सप्लेन इट अगेन? ओनली चरणप्रीत इज रिस्पॉन्डिंग, अदर कृपाल समझ आ गया रजत, वेरी गुड। अर्जुन एंड एक और बच्ची थी ऊपर, हाँ तो इसको आप लोगों ने रूपांश, ठीक है रजे। ओके जसपाल, ठीक है रजे। बी एक्टिव, तुसी आप सब लोगों ने ऐसे यहाँ पे एक्टिव रहना है, थोड़ा मतलब दिखाया करो जोश। तो यहाँ पे एक इसको याद करने का तरीका, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। करीना ने कार मांगी, ऑल्टो इज द नेम ऑफ कार, जिन इज ऑल्सो अ ब्रांड ऑफ कार, ठीक है ये भी एक कार है। करीना ने कार मांगी, ऑल्टो जिन फरारी। परवीन भाभी यानी कि पीबी, पीबी मीन्स लेड, परवीन भाभी है मतलब एच, यहाँ पे एच लगा दिया। क्यू क्यू को मैंने के वाई एन लिखा है, और आप इसको ब्रैकेट में सी से भी लिख सकते हो क्यू, ठीक है सिर्फ याद रखने के लिए। क्यू मतलब सी, यू मतलब कॉपर, क्यू हो गई का एच और जी लिया है, एच और जी अगर यहाँ पे लिखते हैं तो ये क्या बनता है, मर्करी, ठीक है। ए जी इज अ सिंबल ऑफ सिल्वर, ठीक है। एंग्री का ए और एन निकाल के ए और जी ले लेना है, ए जी इज अ सिंबल ऑफ सिल्वर, ए यू इज द सिंबल ऑफ गोल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आंटी का हमने ए और यू लिया है। दिस इज द वे इन विच यू कैन लर्न द सीरीज। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सी क्वेश्चन आपके जो बैक एक्सरसाइज में है वो भी सॉल्व होने वाले हैं। मोर ओवर ये सब सिंबल के आपको नाम पता है ना रजे, ये सब सिंबल के नाम पता है ना आप लोगों को? तो हाँ दिस इज पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज नॉन मेटल बट वी आर राइटिंग हेयर इट बिकॉज, क्योंकि इसकी रिलेटिव रिएक्टिविटी, रिलेटिव का मतलब, रिलेटिव रिएक्टिविटी क्या मतलब है कि वो अब रिएक्टिविटी तो सारे दे रही है, ऑल आर रिएक्टिव, ठीक है। तो कंपैरिजन जब करना होता है कि इसके कंपैरिजन में दूसरा कैसा है, एक की कंपैरिजन में दूसरा कैसा है, उसको हम बोलते हैं रिलेटिव देखना, ठीक है रिलेटिवली देखना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक के कंपैरिजन में दूसरे को देखना है, तो यहाँ पे ये वही बता रहा है कि कितना कौन रिएक्टिव है। मोर ओवर जो हाइड्रोजन के ऊपर है सारी वो रिएक्टिव है, वो जब भी आप एसिड के साथ, आपको पता है एसिड में चाहे H2SO4 हो, HCl हो, तो ये सारी मेटल H को रिप्लेस कर सकती है वहां से। और जो कॉपर है ये इतनी रिएक्टिव नहीं है, मरकरी भी रिएक्टिव नहीं है, इट इज अ पुअर कंडक्टर, ठीक है। तो सिल्वर और गोल्ड इज ऑल्सो नॉट रिएक्टिव। तो जो रिएक्टिव नहीं है वो हमें बहुत इजीली फ्री फॉर्म में मिल जाती है व्हेन जब आप खुदाई करते हो, या मेटल्स होती हैं तो जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती वो फ्री फॉर्म में मिलती है, और बाकी की जो होती है, जो रिएक्टिव होती है वो अपने क्या है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने में बहुत जो सबकी सभी कर लेती है ऑलमोस्ट। तो ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा रिएक्शन क्यों करती है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है अबंडेंटली प्रेजेंट है इन द नेचर, मतलब कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ईजिली अवेलेबल हो जाता है, तो सबकी सभी ऑक्साइड बना लेते हैं। फर्दर ऑन कुछ जो है यहाँ पे, ये जो है नॉन रिएक्टिव है, तो इनका जो ऑर्डर है दिस इज लाइक दिस, ठीक है। सबसे ऊपर ये वाली मोस्ट रिएक्टिव हो गई, और जो नीचे है वो क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे?